लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे बहू जी, तूने मुझे नाश्ता दे दिया, रंजीत को दे दिया और बच्चों को। बाबूजी, आज से इन दोनों का नाश्ता और खाना बिल्कुल बंद। क्यों? व्हाई? किस लिए? हाँ भाई, किस लिए? बाबूजी, आपने इनकी मार्कशीट देखी है? किसी सब्जेक्ट में 10 में से 6 है तो किसी सब्जेक्ट में 10 में से 4 और मैथमेटिक्स में तो 0 है, 0 अंडा। क्यों नालायक हो? जवाब दो, इतने कम नंबर क्यों लाए हो? बस इसीलिए इन दोनों का नाश्ता और खाना बंद कर रखा है मैंने। इसका मतलब है कि शेर को भूखा रखेंगे? शेर को? यानी तुम्हारे बाबूजी को? वो क्यों भूखे रहेंगे? क्योंकि ये मार्कशीट जो आपके हाथ में है वो उन्हीं की है। हाँ? ओए, तो ये मार्कशीट मेरे बेटे जस्सी के स्कूल के टाइम का है। जी हाँ दादाजी, ये बाबूजी के बचपन की मेहनत के कारनामे, छिपा के ट्रंक में रखा था। तो बच्चों, तुम्हारी मार्कशीट कहाँ है? ये रही हमारी मार्कशीट, मुझे 80% मिले हैं और अभी भैया को 85% मिले हैं। ओए नलायक, 27 साल से मुझसे ये राज छुपा के रखा हुआ था। आने दो जरा उसको नीचे, उसके बाल मुंडवा के गंजाना कर दिया तो मेरा नाम भी हेड ऑफ दी फैमिली नहीं है। ओए आ गया, वो तो आ गया। हाँ। क्यों बाबूजी, किसको गंजा करवा रहे हैं? वो क्या, बोलो ना। अरे बचपन में जब तेरा सर मुंडवाया था ना, तो तेरी फोटो बिल्कुल वैसी आई थी जैसी तेरी शक्ल है। सुना आपने? अपनी नीतू को 80% और रवि को 85% मिले हैं। तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? जब मैं पढ़ता था ना, तो 95% 97% मार्क्स मिला करते थे। दादाजी फेंका। क्या फेंका? वो पुराने कपड़े थे ना, वो सब फेंक दिए। और मैथमेटिक्स में तो 99% मिले थे। दादाजी लपेटा। क्या लपेटा? नहीं, वो कपड़े जो फेंके थे ना, उनको लपेट के फेंका था। अब कम से कम आइंदा मेहनत करके मेरी तरह अच्छे मार्क्स लेकर आना, समझे? ओह गॉड, ये क्या हुआ मुझे? ओह जीसस, व्हाई आई एम नॉट एबल टू गेट आउट। अरे क्या हुआ? क्या हुआ दादी, क्या हुआ? अरे अरे, घर की दीवारों को मेरा ख्याल है मगर तुम लोग कुछ नहीं। लेकिन स्टीवन, तुम्हें हुआ क्या है? अरे मैं ठीक से सो रहा था, उठा तो पता नहीं क्या हुआ, ट्रक से टक्कर लगने के बाद सड़क का खंबा जैसे झुक जाता है, वैसे ही मेरी मेरी कमर भी झुक गई है। ठीक है, मैं दूध में हल्दी मिक्स करके लाती हूँ। गॉड ब्लेस हल्दी, हल्दी इज हल्दी। अरे हल्दी से कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं फौरन डॉक्टर को बुलाता हूँ। पर नो इंजेक्शन प्लीज, चुपता है। फ्लोरेंस, तुम भी कुछ करो ना। हाँ करती हूँ, अभी करती हूँ। 1, 2, 3, 4 अरे अरे अरे, दर्द एकदम चला गया। ग्रैंडपा, जब दर्द था ही नहीं तो जाएगा कहाँ? नहीं नहीं, पहले था, जैसे ही तुमने 1, 2, 3, 4 बोला एकदम चला गया। यू आर ए जीनियस। जीनियस मैं नहीं, आप हैं, जो कि इस उम्र में भी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। बेटी, जैसे बचपन में चॉकलेट के लिए तुम भूख लगने की एक्टिंग करती थी ना, वैसे ही बुढ़ापे में मैं तुम लोगों से अटेंशन पाने के लिए कमर में दर्द का नाटक कर रहा था। अरे भाई रुक जा रुक जा। बाबूजी, मैं अंदर आ सकता हूँ? आजा भाई आजा, क्या बात है? बाबूजी, मेरे को जरा पता कहाँ है बताएंगे, मैंने वहाँ फूल पहुँचाने हैं। स्ट्रीट नंबर 7, हाउस नंबर 44, स्टीवन डिसूजा। ओए कुत्ते के पुत्र, मुझसे स्टीवन डिसूजा का पता पूछने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो तूने मेरे घर का एड्रेस उससे पूछा? पूछा। उसने दिया? हाँ, लेकिन थप्पड़। किस गाल पे? इस गाल पे। How dare you ask my address from that? Get down! Yeah!
देखा महाराज, इन दोनों की दुश्मनी का पावर है, महकते फूलों में भी आग लगा सकता है इनका गुस्सा। जरा सोचो महाराज, आज आप टेम्पो में फूल लेकर आए तो आपके दोनों गालों में सांटे पड़ गए। अगर आप गैस सिलेंडर लाए होते तो आपकी बॉडी तो पूरा पट हवा में उड़ गई होती। मगर ये इनकी कैसी दुश्मनी है? अरे महाराज, ये तो टेलर है, इनके पेटों से मिलोगे तो पूरी फिल्म दिख जाएगी, एक्शन और बाधार से भरपूर। किधर गए महाराज? एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। भैया लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है, लेकिन इनकी तौबा तौबा, अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है भैया। लेकिन ये आपस में लड़ते क्यों है यार? इसलिए कि एक क्रिश्चियन है और दूसरा हिंदू? अरे भैया, मेरे पिताजी बताते थे कि ये परिवार सबसे अच्छा दोस्त था। मेरी क्रिसमस! सब एक साथ खाते पीते थे, एक साथ उठते बैठते थे, एक साथ खेलते थे मेरे भाई। क्रिश्चियन परिवार में एंथनी नाम का लड़का था, मोसेस उसका बड़ा भाई था, उसी तरह से हिंदू परिवार में अंजलि नाम की लड़की थी, जस्सी उसका बड़ा भाई था। अंजलि! इन सब में बहुत दोस्ती थी, उसी तरह से अंजलि और एंथनी में भी दोस्ती हो गई, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी दोस्ती में परिवर्तन आ गया। मतलब? मतलब ये कि इनको एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वही जो होता है भैया, इनके प्यार के बारे में इनके परिवार वालों को मालूम पड़ गया। चूँकि अंजलि की शादी पहले से कहीं तय थी, इसलिए हिंदू परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। भैया दोनों परिवारों में वो झगड़ा हुआ कि पूछो मत, लेकिन एंथनी और अंजलि पर इन झगड़ों का कोई असर नहीं हुआ। एक दूसरे से प्रेम करते थे ना, इसलिए उनका प्रेम उन्हें अपने परिवारों से दूर ले गया और घर से भागकर उन दोनों ने शादी कर ली। इस बात को 27 साल हो गए, उनकी तरफ से ना खत ना खबर, वो दोनों तो शादी के बंधन में बंधकर चले गए। कहते हैं दिल्ली में है, लेकिन यहाँ इन दो परिवारों के बीच में जो प्यार का बंधन था वो हमेशा के लिए टूट गया। हमेशा के लिए? और क्या, अब जितना एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे नफरत तो उतनी बढ़ेगी। फिर ये आपस में दोस्त नहीं बन सकते? अरे भैया, अब तो कोई चमत्कार ही इन दो परिवारों को एक कर सकता है। पोस्टमैन आया भाई, आया। चुनावी तुलसीराम की हाल है? बस ठीक हूँ बाबूजी। हाँ लिया। पोस्टमैन हमारे वास्ते लेकर आया? जी मैडम। किधर से? नई दिल्ली से कोई राजा है। न्यू दिल्ली से राजा? किसकी चिट्ठी है बाबूजी? अंजलि के बेटे की। अंजलि? कौन अंजलि? अंजलि, ओए जस्सी तेरी बहन। अंजलि की चिट्ठी आई है 27 साल बाद। रंजीत भैया, रंजीत भैया, पापा के सिस्टर की चिट्ठी आई है। पढ़कर देखिए ना अंजलि ने क्या लिखा है। अरे अंजलि ने नहीं, उसके बेटे ने। अच्छा, पढ़िए ना। पूजनीय नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी, सबको मेरा सादर प्रणाम। बड़ा आया प्रणाम करने वाला। बहुत दिनों से मन चाह रहा था कि आप लोगों को देखूं, मिलूं और आप लोगों का प्यार पाऊं। प्यार पाऊं, ये मेरी ख्वाहिश अब जाकर पूरी हो रही है। कल ही मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपका अपना राजा। आने दो से, बजाता हूँ उसका बाजा। मम्मी मम्मी, ये राजा हम तीनों का क्या लगा? बेटा वो आपका कजिन ब्रदर है। ए लाजो चुप, क्या उल्टा सीधा सिखा रही है ने? लेकिन रिश्ते में तो राजा इनका भाई, आप मामा और मैं मामी लगते। ए बस चुप, कैसा रिश्ता? जिस दिन मेरी बात ना मानकर वो उस क्रिश्चियन लड़के के साथ भाग गई, उसी दिन से उसका इस घर से नाता रिश्ता टूट गया था। बाबूजी समझा दो उन सबको, अगर किसी ने भी उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की या उस भगोड़ी के बेटे को घर में घुसने दिया तो उसे भी इस घर से जाना होगा। कोई रिश्ता नहीं है उसका हमारे साथ, इसलिए उसका साया भी इस घर पर नहीं पड़ना चाहिए। अंडरस्टूड? मुझे इसकी माँ, मैं क्या देख रहा हूँ? व्हाट एम आई सीइंग? ग्रैंडमा, ग्रैंडमा उधर है। आइए, ये रही ग्रैंडमा। रोजी? या रोजी, मैं पूछता हूँ इस घर में बुड्ढा कौन है, मैं या मोसेस? तुम। तो फिर किसको घर में घुसने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये फैसला मैं करूंगा। यू अंडरस्टैंड? मेरा फैसला ये है कि वो लड़का मेरे घर में कदम भी नहीं रखेगा, और अगर रखेगा तो उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। That's all. Now I am going to complete my bath. Grandma, ये किसकी फोटो है? My grandson राजा।
दादी माँ राजा भैया आ गए। नाना जी, नाना जी, प्रणाम मामा जी। मामा जी, मामा जी। राजा, चिक डाल दिया, चिक चिक करने से कोई फायदा नहीं। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, हेलो अंकल। राजा, दोनों दरवाजे बंद हो गए, अब क्या करें? अरे तीसरा दरवाजा तो खुला है। कौन सा है? अकल का बेवकूफ, अकल का। पापा जी, जी इस गली में मकान किराए पे मिलेगा? अरे इस गली में तो क्या, पूरे गांव में तुम्हें कहीं पर किराए मकान नहीं मिलेगा। क्यों पापा जी? अरे कह दिया ना, नहीं मिलेगा। चले आते हैं, पता नहीं कहां कहां से। ककी, बाकी सब तो फिल्म के जूनियर आर्टिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लग रहा है। अरे भाई धुआ प्रसाद जी, कैसे हो, क्या हाल चाल है? आप कौन हो महाराज? आपका नाम धुआ प्रसाद है ना? किसने कहा, कौन कहता है? अरे भाई, हाथ में गदा होती तो भीम कहते, पूछ होती तो हनुमान कहते, हाथ में सिगरेट है इसलिए धुआ प्रसाद बोल रहे हैं। ये महाराज, मेरा नाम बल्ली है, बल्ली। अरे बल्ली हो या फल्ली, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आपको ये बताना चाहता था, चलिए होटल में चलते हैं। याद है पिछले महीने हम लोग वैष्णो देवी मिले थे और वहाँ जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी की बोलियां लगाई थी। लेकिन महाराज, मैं तो वैष्णो देवी कभी गया नहीं। क्या फर्क पड़ता है, चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। और कटरा में बैठकर हमने बूंदी के लड्डू खाए थे। अरे भैया जरा लड्डू लेकर आना। ओ महाराज, लड्डू मत मांगो, मैं खा नहीं सकता, मेरे को शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी? हाँ महाराज, तीखा खाता हूँ तो अल्सर हो जाता है, खट्टा खाता हूँ तो खांसी हो जाती है, नमक खाता हूँ तो बीपी बढ़ जाती है, आइसक्रीम खाता हूँ तो जुकाम हो जाता है, और कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ महाराज तो दबा हो जाता है। इतनी सारी बीमारियाँ फिर भी सिगरेट पीते हो? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। क्या करूँ महाराज, सिगरेट का धुआं ही मेरा ब्रेकफास्ट है, मेरा लंच है, मेरा डिनर है, दमा होने के बाद भी इसके सुट्टे मारता रहता हूँ महाराज। राजा, मैकर मिल गया। वो कैसे? इसको इतनी सारी बीमारी है, बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा वैसे हम इसके घर में घुस जाएंगे। महाराज टॉपिक क्या है? टॉपिक ये महाराज कि हमें यहाँ कोई रहने के लिए मकान क्यों नहीं दे रहा? ओ महाराज, आप जानते नहीं है, आपके मामा जी और चाचा जी सबको वार्निंग दे रखी है कि जिसने भी आपको यहाँ रहने को जगह दी उसकी खैर नहीं, इसलिए समझने वाली बात यह है महाराज कि जैसे आप यहाँ आए वैसे यहाँ से वापस चले जाए, इसी में आपकी खैरियत है। चलता हूँ महाराज। जय राम जी। अटेंशन, अटेंशन बोथ द फैमिलीज, अगर आप लोग जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूं, मेरी रगों में भी आप लोगों का ही खून दौड़ रहा है। अगर आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, इफ यू डोंट एक्सेप्ट मी, तो मैं इसी मोहल्ले में, इसी गली में डेरा डाल के बैठा रहूंगा। ये मेरा चैलेंज है। सॉरी, थोड़े इमोशनल हो गया। सुन लिया आप लोगों ने? वो राजा भैया घर के बाहर ही बैठे हैं। घर के बाहर ही बैठे हैं? तो हमें से क्या, हमें से क्या, तुम जाओ अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। बहू इधर इधर, जल्दी जल्दी, तुम जरा पापड़ देखो, मैं छत पर जाकर देखती हूँ बढ़िया सूखे कि नहीं। बैठ बैठ बैठ। क्या जी? जी, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? जी वो मैं चांद के टुकड़े को देखने आई थी। चांद का टुकड़ा? हाँ, मेरा मतलब है आज पूर्णमासी है ना, मैं चांद देखने आई थी। ओ भगवान, पूर्णमासी तो 10 दिन के बाद है और चांद रात को निकलता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या देख रही है तू? चल अंदर।
चेक करने गया था कि बाहर का दरवाजा बंद है कि नहीं। चेक कर लिया, दरवाजा बंद है। बाहर का दरवाजा बंद हो या ना हो, अपने दिल का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आपको। बहुत धासु डायलॉग बोल के गया है तेरा बेटा। मुंह बंद कर दिया आपका। अरे पगली बच्चे को लेके बाहर बैठी है, 8 बजे गए, चल अंदर। ओए सेठ दुकान बंद कर, 8 बजे गए। ओए ओए ढाबा बंद कर, 8 बजे गए, 8 बजे को ढाबा बंद कर। ओए तुम लोग ताश खेलना बंद करो, 8 बजे गए। अरे चलो भागो यहाँ से, 8 बजे वाले हैं। अरे चलो भागो। वैसे एक मिनट, ये सब लोग डर के भाग क्यों रहे हैं, बात क्या है? अरे बात कुछ नहीं है, 8 बजे कुमन सिंह राठौर गाना गाने वाले हैं। हमारी सामत आने वाली है, मुझे छोड़ दो, मेरे भी बच्चे घर में अकेले, मुझे जाने दो। लकी, लोगों को चाकू से डराते हुए देखा, बंदूक से डराते हुए देखा है, लेकिन गाना गा के डराते हुए पहली बार देख रहा हूँ। कौन हो सकता है? उठो बच्चों, क्या आवाज है, उठो। वाह क्या गाना था, ये गाना था। लेकिन गुरुदेव आप रो क्यों रहे, रोना तो हमें चाहिए। क्या बताऊं बच्चों, आज जिंदगी में पहली बार मेरे संगीत को समझने वाला मेरी चौखट पे आया है, तो मेरे दिल का पैमाना छिलक उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। आप महान हो गुरुदेव, आप महान हो। मुझे जाने दो, अपने बारे में बताओ बच्चों, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो? गुरुदेव मेरा नाम लकी अय्यर, इंडिया का पहला अय्यर जो बहुत लकी है। लकी अय्यर, शक्ल सरदार की, आवाज मद्रासी की, तुम नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन? गुरुदेव मेरा मदर नॉर्थ इंडियन, फादर साउथ इंडियन, और मैं कंप्लीट इंडियन। तुम्हारा दोस्त काफी बोर है। हाँ मेरा मतलब गुम्मन सिंह जी, हम लोग सुबह से इस गली में किराए के मकान के लिए भटक रहे हैं। क्या तुम्हें मकान देने से इनकार किया गया? हाँ गुरुदेव। किसने इनकार किया, नाम बताओ उसका, हम अभी भैराग गाकर उसकी जिंदगी में तहलका मचा देंगे। कौन है, मैं पूछता हूँ कौन है, तेरा अपना नाम तो बताओ। किसने मेरे चेलों को मोहल्ले में मकान देने से इनकार किया? एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, आज के बाद मेरे चेले मेरे मकान में रहेंगे और हर रोज मेरा गाना सुनेंगे। सुनो बच्चों, ये बच्चे कहाँ गए?